नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एम्स बीएससी नर्सिंग 18 जून 2022 को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड एक एम्स के द्वारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो काफ़ी सारे बच्चों को आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर था तो उससे रिलेटेड इशू था, तो काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेज किया था और इस इशू को रेज भी किया था। तो उससे रिलेटेड मैंने एम्स को कॉन्टैक्ट किया और उनको मेल भी सेंड किया कि ये इशू आ रहा है बच्चों को। तो उसी से रिलेटेड एक पब्लिक नोटिस है एम्स के द्वारा जारी किया गया है। तो इस पब्लिक नोटिस में दोस्तों सभी कैंडिडेट के लिए नहीं है, केवल जिन कैंडिडेट का सेंटर कोड DL0117 है, ये नोटिस उन्हीं के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, एक बार आप अपना जो सेंटर कोड है वो ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर जिन कैंडिडेट का सेंटर कोड DL0117 केवल उन्हीं के लिए है, क्योंकि अभी ये एड्रेस है वो करेक्ट कर दिया गया। पहले क्या था कि आपका जो ये सेंटर था, इंस्टीट्यूट का नाम वो बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन इसके नीचे जो एड्रेस दिया गया था वो आपका इनकरेक्ट था, क्योंकि आपका जो ये सेंटर दिया गया था, ये जो पिन कोड थे ये जनकपुरी के थे, जबकि यहाँ पे अलग एड्रेस दिया गया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले आपका यहाँ पे कौन सा एड्रेस था। अब इसे अपडेट कर दिया गया करेक्ट एड्रेस। तो जिन कैंडिडेट का सेंटर कोड ये है, आप अपना फ्रेश एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे इनके द्वारा बिल्कुल मेंशन किया गया है, ऑल द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर एट सेंटर कोड DL0117 आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड प्रिंट या फ्रेश एडमिट कार्ड विद करेक्ट डिटेल्स। तो ये आपका करेक्ट कर दिया गया है। तो ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी वीडियोस पे इन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, केवल स्टडी फोकस कर रहे हैं, उन्हें इस अपडेट का पता नहीं होगा, तो वो गलत सेंटर पे पहुंचेंगे जो एड्रेस दिया गया था उस पे, और उनका एग्ज़ाम है वो स्किप हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ये ज़रूर कीजिए कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और सभी बच्चों को अवगत करवाइए कि आप एक बार अपना एग्जामिनेशन सेंटर वो ज़रूर चेक कर लीजिए, अपने जो पिन कोड है वो और आपका जो एड्रेस दिया गया है वो मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे तो एम्स को आप मेल ज़रूर कीजिए और उस इश्यू को रेज कीजिए दोस्तों। और दोस्तों, अगर पहले की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका सेंटर कोड है DL0117 ये था, आपका इंस्टीट्यूट का नेम बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है, सेल्फ गवर्नमेंट प्लॉट नंबर 810 फर्स्ट फ्लोर खसरा नंबर 74/3 कमरुद्दीन नगर रोड नांगलोई, तो ये एड्रेस दिया गया था, इंस्टीट्यूट का नाम सही था। अब इसे ये करेक्ट कर दिया गया है। तो आप जिनका सेंटर कोड, सभी को नहीं करना दोस्तों, एक बार आपको अपना चेक ही करना, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो समझ ही नहीं पाते कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ध्यान से उन चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते। तो ये जो सेंटर कोड है केवल उन्हीं को ही अपना फ्रेश एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, ये एक क्विक अपडेट थी, और इसके अलावा आपके पास में कम समय बचा है, मॉक टेस्ट पेपर प्लस ऑब्जेक्टिव ई बुक दोनों पे अच्छे से फोकस कीजिए, 100% अपना सिलेक्शन निकाले जाएंगे। बाकी आपकी इच्छा है, आप कौन सी स्टडीज फॉलो कर रहे हैं, मैं विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियोज में भी बताई है, और अभी भी आपके पास में कम समय है, तो केवल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर पे आप फोकस कीजिए और मॉक टेस्ट पेपर पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो चैप्टर वाइज ई बुक है इस पे और मॉक टेस्ट पेपर दोनों को मैंने पैकेज बना रखा है, 499 में अवेल कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, सेपरेट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं और फर्स्ट कमेंट में पिन कर रखे हैं। ये आपका कंप्लीट सिलेबस बेस्ड चीज़ है, तो इसको आप अवेल कर सकते हैं। अवेल करने के लिए बानो पर क्लिक करना है, अपनी डिटेल फिल करनी है, नेम, एक्टिव मेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करके पेमेंट कंफर्म करना है, फाइल डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से अपनी फाइल को डाउनलोड करना है। वहाँ से नहीं कर पाते तो ईमेल आईडी यहाँ पे दी है, इस पे भी पेमेंट कंफर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल के फर्स्ट पेज में सारे मॉक टेस्ट पेपर के लिंक दिए गए हैं, जो भी मॉक टेस्ट पेपर देना हो उसके लिंक को कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट करना है, मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, लास्ट में सबमिट पर क्लिक करना है, और कितने करेक्ट कितने इनकरेक्ट हुए वो सारे वहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, और आप उस बेसिस पे एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपको कितना फोकस और करना है अपने 3-4 दिन के नेक्स्ट जो टाइम बचा उसमें कितना एफर्ट डालना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज फोकस कीजिए, रैपिडली आप रिवीजन कीजिए, थ्योरी पे रिवीजन ना करके ऑब्जेक्टिव बेस पे आप रिवीजन कीजिए। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए यही एक अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।